इतिहास के अतीत के तमाम महापुरुषों का हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन गौर करके देखना भाइयों, किसी ही महापुरुष के बर्थडे पर केक काटने का विधान है कि हम तो कहीं नहीं देखे किसी को आज तक। तुम कहाँ से पिंगल पढ़ करके चले आए हो, किस पाश्चात्य सभ्यता की कालिमा में जी रहे हो? हमारे इतिहास से किसी महापुरुष के बर्थडे में जन्मदिन पर केक काटने का विधान नहीं। आजकल हम बच्चों का संस्कार बिगाड़ते हैं, कई जगह देखने को मिला, मैंने रोका ही, हमको धंधा बंद करो ये। अब अबोध बच्चा है, उसके सामने केक रख दिया और छुरी पकड़ा दिया, अब बेचारा ऐसे से किया, ताली बजा करके मनोबल बढ़ा दिया, अवस्था उसकी बढ़ गई, अब केक काहे काटेगा, छुरी का तो संस्कार बन गया, अब समर्थ हो गया, जवान हो गया तो केक नहीं काटेगा। अरे भले आदमी, तुम्हारे गर्दन में छुरी भोंकेगा तो बपराहट मत काटना, छुरी का संस्कार तुमने उसको बना दिया है, बिगाड़ तुमने पैदा किया उसके अंदर। आज बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी को आपने देखा, पुतली को देखा, जीजाबाई को देखा, भुवनेश्वरी देवी को देखा, विवेकानंद को पालते हुए, कभी कोई हमारे देश की आदर्श माँ बोतल पिलाया अपने बच्चे को? आप क्या कर रहे हैं? भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण लाया, कोई माँ अपने बच्चे को बोतल नहीं पिला सकती है। आज बच्चे के संस्कार को हम बिगाड़ते हैं, अबोध दशा में बोतल दे दिया, जब अवस्था उसकी संवर्धित होती है तो संस्कार तो बोतल वाला है, तब दूध काहे पिएगा बेचारा, हॉर्लिक्स काहे पिएगा उसमें, और शराब पिएगा, क्योंकि बोतल की आदत लगा दिए हो, तो बोतल की आदत आपने लगाई उसको। अभी हम छत्तीसगढ़ में थे, हमारे साथ कौन थे, एक लड़का नकली रिवाल्वर लेकर के आया, अब कौन सी ने गोली भर दे, फट फट दू, हम गोली हमरो पर चलेलकै, अब जो खड़ा है सबको फुट फुट फुट, बाप असली रखता है, बेटा नकली रखता है, जब अवस्था बढ़ेगी तो वो भी असली लेगा, और पहले बाप एक कनपट्टी में सटाएगा तब बपराहट काटेगा बाप। सारे लोग संस्कार बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आज आप लोग प्रबुद्ध लोग हो, कभी भी जन्मोत्सव पर बच्चे के केक काटने का विधान तो आज ही से शपथ खा लो कि ऐसा कुकर्म नहीं करेंगे हम, कभी भी उसको हम रिवाल्वर से खेलने की आदत नहीं बनवाएंगे, अश्लील बात उसको, विवाह शादी की बात नहीं सुनाएंगे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो। माता पिता का संस्कार अच्छा है तो बच्चे संस्कार अच्छे संकल्प लेंगे। चार लड़के एक दिन चौराहे पर खेल रहे थे, और खेलते खेलते चारों बच्चों में कुछ प्रतियोगिता की बात आ गई, एक ने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, उसका बाप डॉक्टर था बेचारा, गांव घर में जिसको झोल टलुआ डॉक्टर कहते हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए, गांव घर में झोल टंगवा डॉक्टर नहीं हो तो बहुत लोगों को फारबिसगंज पहुंचते पहुंचते रास्ते में कफन मिल जाएगा, बहुत की रक्षा करता है वो झोलवा टंगवा जाता है। उसका बेटा कहा कि हम डॉक्टर बनेंगे, दूसरे से उसने पूछा तुम क्या बनोगे, उसका बेटा बाप था जूनियर इंजीनियर, कहा कि हम इंजीनियर बनेंगे। देखिए संस्कार कैसे बना। तीसरे से लोगों ने पूछा तुम क्या बनोगे, कहा कि हम प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि बाप टीचर था उसका। चौथा बेचारा एकदम मर्माहत होकर रह गया, आंख में आंसू लेकर, हां ना कुछ नहीं कहा, चेहरा मलिन किए हुए, आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा। गैर लाइसेंस धारी बाप कहता है कि बेटा कौन तुम, क्या कह दिया, क्या करेंगे जवानी रख करके, क्या करेंगे धन दौलत रख करके, कहो कौन क्या कह दिया, कभी कोई ना कुछ करके चुपचाप रहो। कहा तुम मलिन क्यों हो, कहा कि हम चार साथियों के साथ खेलते हैं, आज कुछ प्रतियोगिता की बात हो गई, एक हमारे साथी ने कहा कि हम डॉक्टर बनेंगे चूंकि उसका बाप डॉक्टर है, एक ने कहा कि हम इंजीनियर बनेंगे चूंकि उसका बाप इंजीनियर है, एक ने कहा कि हम प्रोफेसर बनेंगे इसलिए उसका बेटा, उसका बाप इंजीनियर है। हमको कुछ ताले नहीं लगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत चीज की डिग्री है, गांजा पीने में नंबर वन हो, जुआ खेलने में नंबर वन हो, शराब पीने में नंबर वन हो, इतनी डिग्रियां लेकर के तुम हो तो हमको पते नहीं चला कि हम कहें कि हम शराबी बनेंगे कि जुआरी बनेंगे,
बाप पानी पानी हो गया। बाप ने कहा बेटा अब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने की हमारी उम्र नहीं है, ये मैं आज सब कुछ छोड़ रहा हूँ, ये दारू तारी मांग शराब खैनी बीड़ी सभी गलत आचरण को आज छोड़ रहा हूँ। अब ऐसी प्रतियोगिता की बात आवे कोई पूछे तुमसे कि तुम क्या बनोगे तो सीना तान कर कहना कि हम चरित्रवान बनेंगे। विद्वान से चरित्रवान महान होता है, विद्वान के सामने चरित्रवान के सामने विद्वान का कोई महत्व नहीं रहा। की भी अरे भाई कोई बच्चा भूल गया है कहे चखैनी छोड़ दो बच्चे का छोड़ दल हो। अभी जो परेशान हो रहे हो बच्चा छूट गया, एक दिन ऐसे सड़क से ट्रैक्टर वाला जा रहा था, छूटना भी स्वाभाविक है, ट्रैक्टर वाला जा रहा था कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे, वहां से सड़क दरवाजे पर खड़ा था, कहा बच्चे तुम्हारे हैं, कहा कि ठहरो घर से गिन करके आते हैं, उधरे सोड़े पुर गया तब हमारा नहीं होगा, इतना ही पैदा करते हो कुछ यहां छूटा कुछ वहां छूटा, इतनी असावधानी। और लड़का है कि लड़की है? अरे तो बड़ा खतरा है। एक आदमी की लड़की भूल गई कल के की छूटला कल के लड़की कल के चला झंझटे खत्म भाग गए। लड़का को लेकर के घूम रहा है कोई आदमी का हो तो पता भी नहीं चलता है माँ बाप को हमारा लड़का कहाँ चला गया, होश में तो रहो कम से कम। आइए मैं कह रहा था कि माता पिता से हमारे जीवन का उपक्रम होता है, माता पिता सही हो जाए। अगर धरती की व्यवस्था ठीक देखना चाहते हैं तो सबसे पहले माता पिता सही हो जाए। राम जी जंगल में घूम रहे थे, एकदम बुनियादी चर्चा मैं आज कर रहा हूं, आकाश पाताल की बात बहुत हो गई गप सप की, एक जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं। राम जी जंगल में घूम रहे हैं, साथ में लखनलाल जी हैं। एक दिन एकांत स्थान देख करके राम जी ने सोचा जरा लखनलाल की चारित्रिक समीक्षा करें, या भी प्रेरणा लेना मेरे भाई होने वाले लोग कि बड़े भाई का पुनित कर्तव्य है कि एकांत बैठो छोटे भाई की चरित्र समीक्षा करो, एकांत बैठो तो पत्नी पति की चारित्रिक समीक्षा करें, पत्नी प्रबुद्ध है तो पति की चारित्रिक समीक्षा करते हैं लोग ऐसा, मालिक आप हो तो नौकर की चारित्रिक समीक्षा करो। राम जी के मन में आया कि लखनलाल की चारित्रिक समीक्षा करें, ये आदर्श हमारे समाज से आज गुम हो गए, भाई भाई पास बैठता ही नहीं है आदमी, अगर कहीं कदाचित बैठ भी जाए तो दहला नहला के साथ बैठेगा, राम और भरत की तरह राम और लखनलाल की तरह तो भाई बैठेगा नहीं। भरत को देखो राम जी से कितना बिहर बिहर प्रश्न करते हैं, संत असंत मरम तुम जाहो ताकर सहज स्वभाव, संत किसे कहते हैं असंत किसे कहते हैं, ईश्वर जीव क्या है आदि आदि प्रश्न, धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो लखनलाल जी की चारित्रिक समीक्षा करनी चाहिए, राम जी आप लोग भी सीखो, बड़े भाई हो तो छोटे भाई की चारित्रिक समीक्षा करो, ये दूसरे की समीक्षा वही कर सकता है जो नित्य आत्म समीक्षा करता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना, आत्मनिरीक्षण सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर भाई बहन को चाहिए दिन भर काम करो, खेत में खलिहान में विद्यालय में कार्यालय में कोयले की खान में, और शाम को घर में आओ तो हाथ पर बैठ करके भारतीय परंपरा का एक प्रमुख अंग है, सारे लोग शाम में संध्या करते हैं, दिन भर खेत में खलिहान में विद्यालय कार्यालय में काम करते हैं शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और शाम को घर आते हैं तो सब लोग इत्मीनान से ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान का मतलब है अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना, आपको होने का पता क्या है, आपको होने की पहचान क्या है, मन वाणी और शरीर, आपको होने का पता यही है। मन पर ध्यान दो, वाणी पर ध्यान दो, शरीर की एक एक क्रिया पर ध्यान दो,
तीन साधन जो हमारे जीवन के मुख्य हैं, मन वाणी और शरीर, इसी के दुर्गुण और दुराचरण ग्रस्त होने से हमारी दुर्गति हो जाती है।